किया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा से डर गए सिंघम अजय देवगन। आखिर क्यों अल्लू अर्जुन के आगे फीके पड़े अजय देवगन? क्या सच में डर के मारे अजय देवगन ने बदली सिंघम 3 की रिलीज डेट? क्या वाकई में नहीं होगा पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम 3 का क्लैश? तो क्या अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 अकेले ही मैदान पे दहाड़ लगाएगी? और अगर सिंघम 3 की रिलीज डेट चेंज हो रही है तो आखिर किस नए डेट को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा? डायरेक्टर रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने मिलकर आखिर किस तारीख को सिंघम 3 की रिलीज डेट के लिए फाइनल किया है? तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि सिंघम 3 सिनेमा घरों में कब तक आ रही है। जब से अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 का टीजर इंटरनेट पर आउट किया गया है, तभी से अजय देवगन स्टारर सिंघम 3 सुर्खियों में बनी हुई है। अब अजय देवगन की इस मूवी को लेकर खबरें आ रही है कि मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट में बदलाव कर दिया है। पहले ये फिल्म पुष्पा 2 के साथ ही 15 अगस्त को एक साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबरें आ रही है कि रोहित शेट्टी की सिंघम 3 को देखने के लिए फैंस को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग पूरी ना होने की वजह से सिंघम 3 की रिलीज डेट आगे खिसका दी गई है। तो आखिर सिंघम 3 की रिलीज डेट कौन सी होने वाली है? सूत्रों की माने तो इस साल दिवाली में किसी भी बड़े एक्टर या फिर खानों में शाहरुख खान, सलमान खान या फिर आमिर खान, तीनों खान की फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है। तो अजय देवगन के पास सबसे अच्छा मौका होगा कि सिंघम 3 को इस साल दिवाली में रिलीज करने का। हालांकि 15 अगस्त को ही अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल भी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अल्लू के फैंस तो यहां तक कह रहे हैं कि शूटिंग ना पूरा होने का तो सिर्फ बहाना है, असलियत में सिंघम के मेकर्स पुष्पा 2 से डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने सिंघम 3 की रिलीज डेट चेंज कर दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। खैर, आप लोग बताइए, क्या सच में अजय देवगन अपनी फिल्म की रिलीज डेट चेंज कर रहे हैं? आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस फैसले को लेकर? आपका जवाब शेयर कीजिएगा हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन पर। और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल फिल्मी ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।